गर्मियों के मौसम में बनाए ठंडा ठंडा बहुत ही टेस्टी लौकी का रायता। आप एक बार इस तरीके से लौकी का रायता ज़रूर बनाएं, सभी को खूब पसंद आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए लौकी की टेस्टी हेल्दी रायता बनाना हम शुरू करते हैं। हमें लौका लेना है, ये आधा लौका है, ये वजन में लगभग 300 ग्राम लौका होगा। इसे हमें छील लेना है। लौका हमें मुलायम वाला लेना है जिसका रायता बहुत ही बढ़िया बनता है। इसे हमें कद्दूकस कर लेना है इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं सारे लौके कद्दूकस हो चुके हैं। अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को, इसमें डाल देना है 1 गिलास पानी। इसमें हमें कद्दूकस किया हुआ लौकी को डाल देना है। इसे हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसे पकने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इतनी देर में लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें इनसे चला लेना है। लौकी को पकते हुए लगभग 4 मिनट हो चुका है। अभी हमें इसे चेक करना है। तो देख सकते हैं एकदम ये सॉफ्ट हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। एक कटोरी पे एक जाली रख लेना है। इस तरीके से इसे हमें छान लेना है। इसे हमें इस तरीके से प्रेस करना है जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। आप कपड़ा में भी बांध सकते हैं। एक दूसरे बाउल में हमें ले लेना है 1 कटोरी दही। इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। दही फेंट चुकी है तो अभी हमें इसमें डाल लेना है मसाले। थोड़ा सा डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मैं इसमें 1/4 चम्मच सादा नमक डाल रही हूँ। और इसमें हमें थोड़ा सा डाल देना है काला नमक जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इन दोनों नमक को एक बार ज़रूर डालकर बनाएं, सभी को खूब पसंद आएंगे। अभी हमें इसमें तड़का लगाना है। गैस पे रख देना है कलछुल को। इसमें डाल देना है 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है। 1/4 चम्मच जीरा डालना है। जीरा को हमें ब्राउन होने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। इसमें हमें डाल देना है 1 सूखी लाल मिर्च। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर देना है। और अभी हमें इसे तड़का लगा देना है। तो देख सकते हैं तड़का लग चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है उबाले हुए लौकी को। इसमें पानी बहुत ही कम है। लौकी भी हल्का ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हल्का गर्म है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म आप इसमें लौकी को डालिएगा तो दही फट सकती है। अभी हमें इन सबको चला लेना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, काफ़ी झटपट बनने वाली लौकी का रायता बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी को खूब पसंद आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये लौकी का रायता आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।